हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा पापास किचन। आज अपना किचन में अपन बनाते हैं सांभर पाउडर। अपन साउथ इंडियन स्टाइल में, मद्रास स्टाइल में अपन एक अच्छा सा सांभर पाउडर बाहर से ख़रीदने की ज़रूरी नहीं, जैसा घर में ही आराम से अपन बना लिए तो 6 महीने तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। एयरटाइट जार में रखने से 6 महीने तक आराम से इसको स्टोर कर ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग से शेयर करती हूँ, आप लोग एज इट इज़ फॉलो कर ले तो आप लोग को एज इट इज़ रेसिपी मिल जाता है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए एक पैन को चढ़ा लीजिए। चढ़ा लेके उसमें ऐड करते हैं, वो पैन गर्म हुए बाद लो फ्लेम में रख के 1 कप तुअर दाल। तुअर दाल को डाल लेना है लो, पूरे अपने जितने भी अपने इंग्रेडिएंट्स अपन ड्राई रोस्ट करते हैं पूरे भी अपन लो फ्लेम में रख के करें तो उसका अरोमा छूटते हुए अंदर तक कच्चापन है जैसा अच्छा सा भुने जाके अपना सांभर पाउडर बोलते से बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसका मेन मकसद यह है कि लो फ्लेम में ही रख के अपन इसको भून लेना है। तो तुअर दाल को भून लेते हैं। उसके बाद 1 कप उड़द दाल। तुअर दाल, उड़द दाल और चना दाल तीन भी इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो चना दाल भी उड़द दाल भी अपने को अच्छा सा ड्राई रोस्ट करे तक, उसका अरोमा छूटे तक अपन इसको कलर भी चेंज होता है जब तक अपन इसको फ्राई कर लेना है। इसको भी निकाल के अपने एक प्लेट में डालते रहने, पूरे इंग्रेडिएंट्स एक साथ में डाल ले सकते हैं। तो चना दाल भी 1 कप ली हूँ मैं यहाँ पे, चना दाल भी 1 कप लेके इसको भी अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। देखिए इसका भी कलर चेंज होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है चना दाल भून लेने के लिए, उसको भी डाल देते हैं। अब धनिया डालते हैं। धनिया अपन 3 कप डाला लिए हैं ना, 1.5 कप धनिया लेते हैं। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इसमें, तो धनिया 1.5 कप ले लेके उसको भी अच्छा सा भून लेना है। ज़्यादा कलर चेंज हो गया तो इसका ब्लैकिश आ जाता है, इसलिए नहीं डालना है। अच्छा सा भून लेके उसको भी साइड में डाल लेके ड्राई रेड चिलीज बोलते हैं सो आप लोग की मर्ज़ी, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत नहीं क्योंकि अपन सांभर में टेस्ट कर लेके अपन उसमें जब अपन एडजस्ट कर ले सकते हैं। तो उसको भी एक 20 ड्राई रेड चिलीज ली हूँ, उसको भी अपन इसको भून लेके साइड में रखते हैं। या मेन इंग्रेडिएंट बहुत लोग नहीं डालते हैं लेकिन ड्राई कोकोनट डालने से अपना बहुत मज़ेदार बनता है अपना सांभर पाउडर। तो एक आधा अपने को सूखे नारियल मिलते हैं ना, उसमें आधा सूखा नारियल लेके उसको भी अच्छा छोटे छोटे पीसेस करके ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पेपरकॉर्न्स और 1 टेबलस्पून मेथी और 1/2 टीस्पून मेथी टेबलस्पून और पूरे 1-1 टेबलस्पून डाल लेना है। मेथी को 1/2 टेबलस्पून डाल लेके पूरा अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे ज़ीरा, मेथी और पेपरकॉर्न्स डाल लेना है। उसके बाद मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद अब ऑलरेडी मेरे पास सूखा सो करी पत्ता है, अगर आप लोग पास कच्चा है तो उसको भी अच्छा सा अलग से डाल लेके पूरा पाउडर हुए तक अपन इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अपने मेरे पास ऑलरेडी ड्राइड करी लीव्स रहने से जल्दी फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल के साइड में रख लीजिए। रख लेके अब पूरे इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। आराम से पूरा भी कंप्लीट हो जाना है, कहाँ पर भी अपने को गरम नहीं रहना है। फर्स्ट एक मिक्सी जार को लेके उसमें डालते हैं ड्राई रेड चिलीस और कोकोनट, क्योंकि कोकोनट पीसे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हींग मैं यहाँ पर पाउडर नहीं जैसा इस तरह से मिलता है ना, उसको लेके 1 टेबलस्पून डाली हूँ। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेके पूरा अच्छा सा ढक्कन लगा के अपन इसको एक बार फाइन पाउडर बना लेना है। एक बार पाउडर हो गए बाद अपन ऑलरेडी दूसरे इंग्रेडिएंट्स है ना, पूरे इंग्रेडिएंट्स को एक बार डाल लेके अच्छा सा पूरा फाइन पाउडर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से पूरे इंग्रेडिएंट्स को डाल लेके फाइन पाउडर बना लेके कंप्लीट एक प्लेट में निकाल दीजिए। निकाल देके कंप्लीट ठंडा होना है। कंप्लीटली ठंडा हो गए बाद ही अपन इसको एक एयरटाइट जार में स्टोर कर लेके 6 मंथ्स तक अपने को आराम से अपन ने इसको स्टोर कर लेके यूज़ कर ले सकते हैं। अगर ये सांभर पाउडर अपने घर में बना कर है तो ईजी सांभर पाउडर सांभर बनाना बहुत ईजी रहता है। तो देखिए इस तरह से अपना एयरटाइट जार में पैक कर लेके रख लेना है। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।